हेलो गाइस, कैसे हैं? तो आज हम आपको ले चल रहे हैं अक्षरधाम मंदिर, वहां का चारों ओर का व्यू दिखाएंगे। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ रॉक ब्लॉक विकी, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया। और गाइस, वीडियो आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं, तो चलो गाइस चलते हैं। गाइस, हम जो है अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन आ गए थे। अगर आप भी आएँ तो अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन उतरें, और वहाँ से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर मार्केट लगी हुई है, तो हमें भूख भी लग रही है, गरिमा को भी भूख लग रही थी। तो चलो गाइस, कुछ खाने पीने के लिए हम आइटम ले लेते हैं। 80 रुपये प्लेट राजमा चावल है, और यहाँ से हम टोकन लेते हैं, तो हमने टोकन ले लिया है, और कोल्ड ड्रिंक का भी टोकन ले लिया है साथ। तो चलो गाइस, आपने तो गाइस स्टेशन से मात्र 200 मीटर दूरी पे है अक्षरधाम मंदिर। ये देख रहे हैं अक्षरधाम को रास्ता जा रहा है, तो हम अक्षरधाम की तरफ चल पड़े। तो जैसे ही पड़े तो सामने पुल आया, पुल के नीचे जो है अक्षरधाम मंदिर बना हुआ है। आगे जाके बिल्कुल देखेंगे थोड़ी सी दूरी पे, वो सामने नज़र आ रहा है आपको अक्षरधाम मंदिर, देख रहे हैं आप। तो चलो गाइस चलते हैं अक्षरधाम मंदिर। तो रास्ते में जैसे हम धीरे धीरे पैदल चल रहे थे, तो देख रहे कितनी भीड़ है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो गाइस ये पार्किंग बना रखी है, तो हम थर्ड टाइम आए थे, तीन बार आ चुका हूँ। तो गाइस आप अपनी पार्किंग यहीं लगा सकते हैं, और ये पार्किंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलो गाइस आगे चलते हैं, जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे आपको बता देंगे। देखो ये स्वामी नारायण जी का जो है मंदिर है, और इनको अक्षरधाम मंदिर भी कहते हैं। तो ये गरिमा और गरिमा की मम्मी आगे चल दी है गरिमा। तो चलो गाइस और आगे चलते हैं। तो जैसे ही हम आगे एंट्री करें, तो मेन गेट है, यहीं से हमें एंट्री करनी है। तो मेन गेट के जैसे ही हमने एंट्री करी, तो ये प्रवेश द्वार है। तो जैसे ही हम प्रवेश द्वार के अंदर एंट्री करी, तो यहाँ पे गाइस अपने बैग वगैरह चेक करवा के ज़रूर जाएं, कोई ऐसे सामान ना ले जाएं साथ। तो जैसे हमने बैग चेक किया, तो सामने आके जो देख रहे हैं यहाँ अंदर से दिखा रहे हैं पार्किंग। तो पार्किंग अवेलेबल है, बाइक की भी है, कार की भी है, आप अपनी सुविधा के अनुसार आ सकते हैं। मेट्रो से भी आ जाए तो मैं तो बहुत ही बढ़िया। आप तो हम तो मेट्रो से आए थे, तो हमें पार्किंग की जरूरत नहीं पड़ी। तो गाइस आप चारों ओर का व्यू अक्षरधाम मंदिर का देख रहे हैं, तो अब हम जो है अक्षरधाम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो गाइस गेट नंबर एक पे तो आपको सामान रखा जाएगा आपका, गेट नंबर दो से आपकी एंट्री होगी। तो गाइस पहले पर्ची भर लेना, बिना पर्ची के आपको अंदर सामान रखने की एंट्री नहीं होगी। टेलीफोन, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी आइटम है यहीं रखना, और यहाँ पर जो है शुद्ध पेयजल है, पानी पी सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस आप व्यू देख रहे हैं अक्षरधाम मंदिर का, तो चलो गाइस अंदर की तरफ चलते हैं। तो आपको हम भी सामान जमा करवाते हैं, अगर अंदर परमिशन मिली तो आपको वीडियो पूरी दिखाएंगे, बने रहे हमारे साथ। तो गाइस देख रहे हैं हम यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, यहाँ पे अपना सामान जमा करवाना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कोई भी हो तो यहाँ जमा कर। जैसे ही हमने मंदिर में प्रवेश किया, तो आप व्यू देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त व्यू, बहुत ही सुंदर। और शाम का टाइम था, और ये मेन फ्रंट गेट है, हमें अंदर एंट्री करनी है यहीं से ही। तो अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखें मोर बन रहा है, और राजस्थान की कला करी हुई है, देखो टोटल राजस्थान की कला बना रखी है इसमें, राजस्थान के कारीगरों ने भी इसमें और सहयोग किया था, गुजरात के कारीगरों ने भी सहयोग किया था। तो बहुत ही सुंदर अक्षरधाम मंदिर देख रहे हैं आप, और ये मेन फ्रंट गेट है, यहीं से हमें एंट्री करनी है। और ये स्वामी नारायण भगवान जी हैं, और यहाँ पर कृष्ण भगवान की फ़ोटो भी लगी हुई है, और ये इनके चरण पादुका, उनकी ये जो है माला वगैरह। तो आप ये देख रहे हैं हाथी, और बहुत ही सुंदर व्यू बना हुआ है, चारों ओर का व्यू आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। तो आगे चल के हम आपको अंदर जो है शो दिखाएंगे, 340 रुपये की टिकट है शो की। गाइस देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त है, उसके उसके अंदर आपको तीन शो दिखाए जाते हैं, जिसके अंदर नाव वाला शो भी होता है, और लाइटिंग शो भी दिखाया जाता है, और फिल्म भी दिखाई जाती है। तो आप ये देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त व्यू आया हुआ है, और शो देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त। तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा।